नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम हमारी ज़रात के साथ मैं आपका दोस्त गुलाम हुसैन उमरा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों आज हम जिस वैरायटी को रिव्यू करने जा रहे हैं, बहुत सारे दोस्त उसको जानते भी हैं, उसको देखा भी होगा और पिछले साल बहुत सारे दोस्तों ने उसका सीड जो है वो परचेज भी किया और लगाया भी है। इस दफ़ा उस वैरायटी का बड़ा अच्छा फीडबैक है, बड़ी अच्छी उसकी पैदावार आ रही है। आज हम जिस वैरायटी की बात करने जा रहे हैं वो है CKC3, ट्रिपल जीन वैरायटी है, ग्लाइफोसेट फ्री है, पिंक रेजिस्टेंट है, इसमें गुलाबी सुंडी का अटैक कम आता है। ग्लाइफोसेट के जिस वैरायटी को मैं आज दिखाऊंगा उसके ऊपर 3 स्प्रे हो चुके हैं बारिशों की वजह से। आपको जैसा कि पता है कि पूरे पाकिस्तान में जो वैरायटीज़ हैं वो उनको फेस करना पड़ा है, मुश्किलात का सामना करना पड़ा है ग्रोअर को भी। सो वो वैरायटी कि इसमें भी बारिशों की वजह से अफेक्ट हुई है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी अच्छी पैदावार फार्मर ने ली है। सो आज हम बात करने जा रहे हैं CKC3 की, पूरी वीडियो देखिएगा और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो वैरायटीज़ हैं उनके बारे में आप मालूमात हासिल करें। चलें जी दिखाते हैं वैरायटी CKC3। अभी ये जो आप फील्ड देख रहे हैं उसके ये जो प्लांट दिखा रहा हूँ CKC3 के, मजीद आगे फील्ड में चलते हैं फिर देखते हैं जी। तो नाजरीन अब हम फील्ड में मौजूद हैं CKC3 के, हमारे साथ हमारे ग्रोअर भी मौजूद हैं हाजी यादव हुसैन साहब, उनसे भी पूछेंगे इस वैरायटी के हवाले से। और जैसा कि आप देख रहे हैं इन पौधों को कि इसके ऊपर सांगली मौजूद है, ज़िम्मेदार का कहना है कि अभी तक इस खेत से जो पैदावार ली है वो 14 मन फी एकड़ के हिसाब से उन्होंने चुनाई की है। बारिशों का बड़ा लंबा अरसा, बड़ा अच्छा स्पेल यहाँ पर गुजरा जो कि फार्मर के लिए एक बहुत बड़ा लॉस था। तो 1.5 महीना जो बारिशों का जो स्पेल है उसको फेस करने के बावजूद इस खेत में से 14 मन की एवरेज जो है वो ले चुके हैं CKC3 की। और बाकी आप जो फील्ड देख रहे हैं वो आपको नज़र आ रहा है कि इसके ऊपर बहुत अच्छा जो खड़ाव भी है और इसके ऊपर जो टिंडे लग रहे हैं और दोबारा ग्रोथ भी शुरू है ये देखें। तो अभी ये जो सितंबर का महीना है मज़ीद चलेगा तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह 10 से 15 मन के दरमियान मज़ीद इस खेत से पैदावार ली जा सकती है। सो इसकी अगर हम बात करें तो ये 1 से 3 ब्रांचेस बनाने वाली वैरायटी है। इसकी ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो ये 3 ब्रांचेस बनाने वाली वैरायटी है। और अगर इसकी हम टिंडे की बात करें तो इसका जो टिंडा है ये 4 फुटियों वाला जो इसका खड़ाव है, 4 फुटियों वाला वो है। और टिंडे का साइज़ बड़ा ज़बरदस्त है, गुलाबी इस पर बहुत कम अटैक करती है, जैसा कि हमने कहा कि पिंक रेजिस्टेंट है और ग्लाइफोसेट फ्री है। इस फील्ड में ग्लाइफोसेट की 3 स्प्रे हो चुकी हैं और उसके बावजूद फील्ड आपके सामने है। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि स्कैम है और उसके लिए हमारे फार्मर मौजूद हैं यहाँ पे, आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये फोटोबास कनवाही गो हैं 204 9R और यहाँ पर आप इस वैरायटी को विज़िट कर सकते हैं, सीड के लिए इनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका राबता नंबर मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाकी किसी भी किस्म की मालूमात के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो जो है वो देखें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।